दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 2022 के आईपीएल के सीजन से पहले हुए रिटेंशन के बाद आईपीएल के प्रशंसकों में सभी खिलाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां लखनऊ अहमदाबाद जैसी दोनों ही टीमें इस साल आईपीएल में शामिल होने जा रही हैं, तो वहीं आईपीएल की कुछ पुरानी टीमें अपने लिए नए कप्तान और नए खिलाड़ी तलाश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आईपीएल में दो बार चैंपियन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स और प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स ने अपने कप्तान को लेकर बात साफ कर दी है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी जिन्हें केकेआर और पंजाब जैसी टीमों ने अपनी टीम में शामिल करके नया कप्तान बनाया है। लेकिन उससे पहले पंजाब और केकेआर में से आप किसे बेहतरीन टीम मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में हुए आईपीएल की समाप्ति के बाद से ही बीसीसीआई ने 2022 के आईपीएल में शामिल होने वाली दो टीमों की घोषणा कर दी थी और उनको बराबरी का मौका देने के लिए बीसीसीआई ने एक बड़े मेगा ऑक्शन की घोषणा भी की थी, जिसकी वजह से सभी पुरानी फ्रेंचाइजी को उनके केवल 4 पुराने खिलाड़ियों को टीम में रखने की अनुमति मिली थी। और एक तरफ जहां चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीमों को इस अनुमति का भारी नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं पंजाब किंग्स और केकेआर जैसी टीमों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि ये दोनों ही टीमें आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों से अपनी कप्तानी और टीम सिलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती नजर आई थी, जिसके बाद इन दोनों ही टीमों की फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लेते हुए रिटेंशन का फायदा उठाते हुए दो बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है, जिनकी कप्तानी में इनकी टीम 2022 के होने वाले आईपीएल को अपने नाम कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 के सत्र में पंजाब किंग्स की कप्तानी करने वाले केएल राहुल ने आईपीएल की समाप्ति के बाद ही ये घोषणा कर दी थी कि वो अगले सत्र में पंजाब की टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, और इसी वजह से पंजाब की टीम उन्हें रिटेन करने में कामयाब नहीं हो सकी थी, जिसके बाद पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए मुंबई की तरफ से रिलीज हुए उनके सबसे शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करके नया कप्तान घोषित कर दिया है। और हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने 18 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम दी है। वहीं दो बार आईपीएल की विजेता रही कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल करके उन्हें कप्तान घोषित कर दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां 2021 के आईपीएल में खेले राहुल का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, तो वहीं भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए भी उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली हैं और इस वक्त अपने करियर के सबसे शानदार वक्त में है, और कोलकाता की फ्रेंचाइजी को उन पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी कप्तानी में केकेआर को तीसरा खिताब दिलाने में भी सक्षम रह सकते हैं, और इसलिए उन्होंने राहुल को 20 करोड़ जैसी बड़ी राशि देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब की कप्तानी करते हुए अपनी खराब फॉर्म से गुजर रहे हार्दिक पांड्या वापसी करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।